हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर इस वीडियो में, जहां पर कि हम अपनी दिल्ली ब्रांच के अंदर और जहां पर अभी हमें ज्वाइन किया है मिस्टर मुदासिर ने, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो आज हमारी जो है क्वान्टिटी सर्वे की फर्स्ट क्लास थी, और मुदासिर से पूछते हैं मुदासिर को क्या क्या किया इन्होंने आज और क्या कितना इनको समझ में आया था। बताएंगे मुदासिर कुछ। हेलो फ्रेंड्स जी, हमने आज इंट्रोडक्शन किया क्वांटिटी सर्विंग का, और उसके बाद हमने एक बिल्डिंग का एक्सकेवेशन देखा। एक्सकेवेशन की क्वांटिटी निकाली, उसकी फुटिंग की शटरिंग निकाली, पीसीसी की क्वांटिटी निकाली, और जो कॉलम है वो ट्रेपेज़ॉइडल फुटिंग है उसकी शटरिंग भी निकाली, और उसका कंक्रीट का क्वांटिटी भी निकाला, और नेक कॉलम अलॉन्ग विद ग्राउंड बीम के लिए हमने इसकी शटरिंग प्लस कंक्रीट की क्वांटिटी भी निकाली आज। तो आज जितना किया मुदासिर, समझ में आया? जी सर, अच्छी तरह समझ आया सर। आराम से जो है हमने बिल्कुल इजी तरीके से हमने इसको किया है, जी सर, राइट। विद सिंपल क्वांटिटी सर्वे में मैथमेटिक्स। फर्स्ट डे में हमने जो है सब स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया जी है ना, सर, पूरा सब स्ट्रक्चर जो है बैक फिलिंग वगैरह सब कुछ कर करा के, जितना भी जो भी हमारे आइटम्स होते हैं, बिटुमिन पेंट हो गया, चाहे वो शटरिंग होगा, पॉलिथीन शीट हो गया, जो भी सर हमारे एंटी टर्माइट हो गया, ब्रिक वर्क जो भी है निकाला सर, ब्रिक वर्क भी ब्रिक वर्क निकाला। निकाला बिलो ग्राउंड लेवल के, जैसे जो भी हमारे आइटम होते हैं अब तो ग्राउंड लेवल, वो हमने आज जो है एक दिन में कंप्लीट कर लिया। कितना समझ में आया आपको? सर अभी सारा समझ इसी आया, लेकिन तरीके से हम करते थे प्रैक्टिस आप पहले? नो सर इस तरीके नहीं करते थे सर, अलग मेथड लगा, लेकिन उसमें सर टाइम बहुत लग रहा टाइम था। बहुत लग रहा जी था। सर, आज जो है बिल्कुल हमने सिंपल तरीके से, बिल्कुल ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे हुए हैं, और जी हमने जो सर, है आराम से इसको आराम से हम सब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया कंप्लीट हो सर। गया सब स्ट्रक्चर। अगर और अगर कोई छोटी बिल्डिंग हो तो इस हिसाब से हम मतलब 2-3 घंटे में बिल्डिंग का पूरा निकाल सके। निकाल लेंगे, पूरा जी कैलकुलेशन कर देंगे, मतलब जी सर, एक्सकवेशन से लेकर और पूरा उसका कंप्लीट जो रूफ तक। है बिल्डिंग का हम इस अभी इतना कर लिया। इसके बाद जो है आगे जो है सुपर स्ट्रक्चर में जाएंगे, तो वो सिंपल इसी तरीके से वो भी होगा, जी और बहुत सर, आराम से जो है हम लोग कैलकुलेशन को कर सकते हैं ना। जी कल हम लोग साइट पे गए थे, जी कल हम सर्वे के साइट पे गए थे, वहां कितना समझ में आया था आपको? सर, उधर हमने लेवल ट्रांसफ़र की पहले ही ऑटो लेवल से, फिर हमने टोटल स्टेशन से हमने पॉइंट ट्रांसफ़र किया सर, वो डे 1 में किया सर। अभी अभी डे 1 ही है मतलब अभी वो तो ना। कल हम लोग जी साइट पे गए थे, वो अभी तो क्लास शुरू ही नहीं हुई थी। जी अभी वो शुरू हमारी हुई। जो थी वो एक हम अपना प्रोजेक्ट था, तो उसलिए वहां पर विजिट किया था, और वहां पर जाके आपने देखा वहां पर क्या आपको, आप फर्स्ट डे एज ए सिविल इंजीनियर, आपने कभी पहले से पहले कभी काम किया है नो सर, टोटल स्टेशन का कभी काम नहीं किया सर? है, साइट पे काम किया है साइट पे किया है, लेकिन सर टोटल स्टेशन और तो इसमें टीएस नहीं में है। नहीं किया, बट टीएस साइट में पे हाँ काम एक्ट किया, किया है सर, कंस्ट्रक्शन पे हाँ काम किया आपने, सर वो किया है बट कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? सर, वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहां पर सर, आपने देखा किस तरह के किस हिसाब चैलेंजेस से जो सर। है फेस करने पड़ते हैं, मतलब इस तरह के भी काम होते हैं जहां जी पर कि कॉन्ट्रेक्टर किस ढंग से काम करता है, और जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो जी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जी है सर, ना? अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप कुछ तो भी नहीं आप कर कुछ नहीं सकते कर हो, और सकते जी सारा काम जो है गड़बड़ हो जाता है। आपने सर, देखा कितना वहां पर जो है गड़बड़ हो रखा था काम में, एग्जीक्यूशन में, जो काम कर रहे थे पहले वो भी इंजीनियर ही थे लेकिन वो ड्राइंग नहीं थी सर उनके पास उस हिसाब। ड्राइंग नहीं थी, कैलकुलेशन नहीं था, कोई भी डाटा नहीं था उनके पास, तो उसकी वजह से हमारा भी काम बहुत ज़्यादा डिले हो डिले गया। हो गया सर, 2-3 घंटे। अदरवाइज जो है हम लोग आराम से 4-5 घंटे के अंदर अपना काम करके निकल सकते थे, लेकिन जी उसकी सर, वजह से जो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से सारा का सारा गड़बड़ हो रहा था वहां पर। बट जी ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया केवल इंजीनियर की डिग्री लेना ही जो है वो सफिशियंट नहीं है, नहीं है साइट पे सर। काम का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और काम को कैसे करके स्टार्ट किया जाता है, एक इनिशियल लेवल से कैसे करना है, वो वहां पर जाके समझ में आया। काफी कुछ डाउट वहां जाके क्लियर हो गए कि इस जी तरह सर, के भी प्रॉब्लम है हमें फेस करनी पड़ती है। देखो एक किताबों में पढ़ना लगती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम जाते हैं साइट पे, तो वहां पर जो है कितना कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, किस तरह के लोगों से हमें जो है इंटरफेयर करना पड़ता है, इंटरेक्शन होता है, कौन कौन सी हमें इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट स्टार्ट किस तरीके से करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है उस चीज को, है ना? तो जब भी आप काम करो, जब साइट पे जाओ, तो क्या क्या डाटा पहले आपको कलेक्ट करना कलेक्ट है करने काम स्टार्ट करने से पहले। काम स्टार्ट करने के बाद तो हो हो जाएगा, जाएगा लेकिन सर, उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि आपका जो है टाइम भी कम लगे और आसानी से हो और जाए। इजी तरीके से हो जाए, है ना? चलो, और अभी कैसा रहा 2 दिन का, जो अगर मैं आपसे एक्सपीरियंस पूछूं तो कैसा रहा? सर बहुत कुछ अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, साइट प्रैक्टिकल भी और थ्योरी में भी सर, थ्योरी में भी ना। दोनों साइड। चलो ठीक है, अभी आज हमारे लिए जो है फर्स्ट लैंड सर्वे की क्लास होगी, और फिर हम अपना जो है जैसे हम लोग जो करवाते हैं उसको जो है उसको करेंगे। स्टाफ रीडिंग वगैरह तो आप सीख ही गए, जी हाँ स्टाफ हाँ रीडिंग कैसे करना होता है ना। चलो ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाहोगे, दिल्ली आके बेनिफिट हुआ जम्मू कश्मीर जी से? सर, अभी 2 दिन में अच्छा बेनिफिट हुआ है, और डेफिनेटली। उम्मीद है कि आगे भी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा।
चलो ठीक है। सो गाइज, अगर आप लोग भी करना चाहते हैं दिल्ली में क्वांटिटी सर्वे, लैंड सर्वे, QA/QC या अदर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो वी आर हेयर। और आप यहाँ पे बहुत कम कोर्स फीस के अंदर ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फीस के बारे में क्या कहोगे आपका जो है? फीस तो बहुत ऑप्टिमम है, अच्छा है फीस है सर। अगर हम बाकी भी देखें, बाकी भी बहुत है, लेकिन सर वो कॉस्ट के हिसाब से बहुत फीस बहुत ले रहे हैं सर। कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं जी है जी इतना, है कॉस्ट ना, इफेक्ट नहीं, वैल्यू कॉस्ट फॉर इफेक्टिव मनी नहीं हो रहा है उसमें। में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। अगर हम 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में आपने जो है काफ़ी कुछ गेन कर लिया है। आज भी क्वांटिटी सर्वे में सब स्ट्रक्चर जो है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कहते हैं कि बहुत कम टाइम में हमारा हो जाता है, तो नाउ यू आपको लग रहा होगा हाँ जो है सर हाँ लग रहा है, वो बहुत हो टाइम में जाएगा, हो 10 दिन के जाएगा, अंदर में जो जो है बोल रहे हैं वो हो जाएगा वो हो सर। जाएगा, वो चीज़ें हो जाएंगी, है ना। ये चीज़ अब टाइम, देखो स्टूडेंट के पास क्या होता है, डिप्लोमा बीटेक करने के बाद या मास्टर्स करने के बाद क्या होता है उसके पास, जॉब करना है। जॉब करना सबसे पहला जो है उसका टारगेट क्या होता है, जॉब करना है। जॉब अगर वही आप जो है इतना लंबा सीखना वही है, सब कुछ वही करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करना है और जो फील्ड के हिसाब से सीखना है। अगर हम यहाँ पर भी 2-3 महीने आपसे लें तो क्या वो बेनिफिशियल है आपके करियर के सर लिए? वो सर टाइम वो बहुत ले जाएगा। अब आप ये सोचोगे अगले 10 दिन में आप क्या कर सकते हो, और उसके बाद का जो टाइम है वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। आप जॉब पे जा सकते हो, आप अपना जो खुद का अगर काम करना चाहते हो तो वो भी इजी तरीके से जी कर सकते हो, है ना। तो टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी। सर कभी टाइम भी टाइम की अगर वैल्यू कर रहे हो, टाइम अगर आप कर पा रहे हो उन चीज़ों को, मेन ये नहीं है कि करना, मेन उसको समझा के और समझा उसके के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके पीछे के रीजन क्लियर करना, वो चीज़ें मेन होता है। तो यहाँ पर 2 दिन के अंदर हमने काफ़ी कुछ कर लिया, आगे भी जो है हम लोग करेंगे। जो कम टाइम होता है, कम टाइम के अंदर नॉलेज ज्यादा आना चाहिए। ज्यादा आना आपको चाहिए डाउट है कहीं पे, हाँ यार मैंने गलती कर दिया, यहाँ जम्मू कश्मीर से यहाँ आया इतना पैसा खर्च नो सर डाउट नहीं सर। करके चलो ठीक है। तो गाइज अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप लोग हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की दिल्ली ब्रांच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव अ रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। अभी जो है हाँ हो सकता है आने वाले टाइम पे फीस बढ़ेंगे, बट इतनी नहीं बढ़ेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा वो जो है आपको, हाँ आप रजिस्ट्रेशन करा के आइए। रजिस्ट्रेशन कराने से आपको बेनिफिट होता है, हमें भी बेनिफिट होता है, और ऐसा नहीं है कि कोई आपका पैसा मरने वाला है या डूबने वाला है। जो भी आपको कहा जाएगा, जो कमिट किया जाएगा, डेट जो आपने डेट दिया था, हमारी तरफ से कोई डिले हुआ, आप ही के फ्लाइट जी सर डिले हुआ टाइम था, कैंसिल बट हो अदरवाइज जो है जो भी हमने इनको टाइम दिया, वी स्टार्ट हिज क्लास ऑन टाइम, ठीक है। बाकी जैसा जैसा रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बट इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इन दिल्ली दीज कोर्सेज, तो यू कैन ज्वाइन अस इन दिल्ली ब्रांच, ठीक है गाइज। तो बट रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, विदाउट रजिस्ट्रेशन वी हैव नो टाइम कि हम किसी को भी एंटरटेन करें किसी भी रीज़न की वजह से। आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अस, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।